हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ टॉप्स जो अमेजोन से मैंने लिया हुआ है। एंड सारे टॉप्स की प्राइस रेंज अराउंड 500 टू 600 के बीच में रहेगा। उसमें ओनली वन या टू पीसेस है जिसके प्राइस 800 के आसपास की है, बाकी सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं वन बाई वन ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो विदाउट मिस डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। दिस इज द फर्स्ट टॉप एंड जो सारे टॉप्स में दिखाऊंगी उनके प्राइसेस एंड अदर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो काइंडली चेक दैट आउट। अगर आपको कुछ मुझे अच्छा लग रहा है एंड वांट टू चेक आउट देन डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एंड ऑल्सो मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगी। सो दिस इज द फर्स्ट टॉप एंड इसकी ब्रांड है फैब एले। फैब एले इज अ वेरी गुड ब्रांड, इंडिया ब्रांड की है ये। तो वेरी गुड ब्रांड, दिस इज द टॉप एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। इसमें 3/4 की आपको स्लिप्स मिल जाएगी एंड बलून शॉर्ट ऑफ स्लिप्स रहेगा। ज़्यादा ढीला नहीं है बस बलून शॉर्ट ऑफ स्लिप्स रहेगा। यहाँ पे स्लिप्स में आपको इलास्टिक मिल जाएगा एंड दिस इज द वी नेक। एंड यहाँ पे वेस्ट लाइन पे भी इलास्टिक है। फिटिंग बहुत अच्छी आती है, पेपलॉम टॉप शॉर्ट ऑफ इसकी लुक आता है बट फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है। फैब्रिक जो है वो आई थिंक पॉलिएस्टर फैब्रिक है बट वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ वाला हाई क्वालिटी पॉलिएस्टर है। फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी, परफेक्टली बॉडी को हग करके रखती है। जहाँ जितना लूज होना चाहिए उतना परफेक्टली फिट होती है। दिस इज द सेकेंड टॉप एंड द ब्रांड इज मैक्स। एंड एक नॉट क्रॉप टॉप बट नॉट अ फुल लेंथ वाला टी शर्ट जो होता है वो ऐसा नहीं है, इन बिटवीन आएगा, क्रॉप टॉप एंड फुल लेंथ के बीच में बीच आएगा। इसकी जो स्लीव्स है वो एल्बो लेंथ की है एंड दिस इज वेरी आई सूदिंग, बहुत अच्छी प्यारी सी इसकी कलर है। इसके ऊपर जो ऐसे छोटे छोटे फ्लावर जैसे बने हैं दिस आर नॉट प्रिंटेड, दिस आर लाइक सम थिंग्स लाइक 3D इफेक्ट में है एंड थ्रू आउट द टॉप ये है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छा, वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, सूदिंग फैब्रिक एंड आपको को भी सुकून देता है, बॉडी को भी सुकून देती है। यू शुड डेफिनेटली चेक दिस टॉप, बहुत अच्छी है। इसमें आई थिंक पिंक कलर का भी था तो आप जरूर चेक करें। नेक्स्ट टॉप इज द ब्रांड, इज फ्रॉम द ब्रांड वैन ओशन एंड ये कुछ इस तरह का दिखता है। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड द सामने वाला हिस्सा ये होना चाहिए एंड उसकी बैक साइड वी नेक में है, स्लीवलेस है एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ ढीला सा है, लाइक ऊपर से लेके नीचे फ्लोई वाला टॉप है। ये भी गैन पॉलिएस्टर फैब्रिक में है बट वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट वाला पॉलिएस्टर। इसके नेक पे आपको इस तरह का डिटेलिंग्स मिल जाएगा, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, इस तरह का डिजाइन डिटेलिंग्स है, मेरे को वर्ड्स में आ नहीं रहा। एंड ये आगे की तरफ का है, दिस इज द बैक साइड। आई हैव ऑलरेडी ओन इट लाइक 2-3 टाइम्स टिल नाउ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कंफर्टेबल है। गर्मी ऐसे ह्यूमिडिटी वाले वेदर में ना ये बहुत ज़्यादा फ्लोई होकर रहता है। इनिशियली आई वॉज वरीड अबाउट द स्लीव्स पार्ट, लाइक ये काफ़ी ज़्यादा ओपन है तो आई वॉज वेरी वरीड बट परफेक्टली फिट आ रहा है उसमें। उसके अंदर आपको कुछ लाइक अलग से स्पैगेटी कुछ ऐसे पहनना नहीं है एंड परफेक्टली फिट आ रहा है। द ओनली इशू इज इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरह का है, लाइक सामने तरफ ये कवर वाला गला आएगा एंड पीछे की तरफ से वी नेक में आएगा। ओके, बट जब आई डोंट नो ऐसे क्यों डिज़ाइन दिया गया है, जब ऐसे पहनते हैं ना इसकी फिटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है। तो मैं एंड स्लीव्स का भी फिटिंग आई डोंट नो क्यों ऐसे दिया गया है, स्लीव्स की भी फिटिंग अच्छे से नहीं आती जब ऐसे पहनते हैं। मे बी जो स्लिम फिगर के होंगे उनको अच्छा लगता होगा, आई डोंट नो। बट मैं कैसे पहनती हूँ, पीछे वाला आगे की तरफ करके, लाइक आगे की तरफ वीनेक रहता है एंड पीछे की तरफ यूजली वाला रहता है तो मेरे को फिटिंग बहुत अच्छी आती है एंड स्लीव्स का भी कोई इशू नहीं होता है ना, अंडर बस्ट कुछ दिखता है, लाइक अंडर आर्म्स कैसे नीचे से कुछ दिखता है, कुछ नहीं होता एंड परफेक्टली फिटिंग आती है। तो ओनली इशू जो ऐसे पहनने के बाद मेरे को फील होता है इसकी जो टैग है वो पीछे, ये ब्रांड के हिसाब से पीछे की तरफ है तो टैग भी पीछे ऐसे दिया गया है जो थोड़ा छुपता है, मैं इसको काट लूँगी एंड उसको इस चीज़ को अगर हम साइड में रखें तो दिस इज अ वेरी गुड टॉप। इस पर ऐसे एनिमल प्रिंट्स हुए हैं एंड पहनने के बाद तो बहुत स्मार्ट लुक आता है। एंड सी दिस इज वेरी सॉफ्ट फैब्रिक। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट वन, दिस इज द टॉप, वेरी प्रिटी ब्लैक कलर की है एंड ब्रांड इसके हरप्पा। इसके स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स है इसमें एंड बलून पैटर्न में स्लीव्स है। यहाँ पे बटन वाला क्लोजर दी गई है। ओके, एंड ये जो पूरी फैब्रिक है वो नॉर्मल वाला, नॉर्मल फैब्रिक नहीं है, लाइक नॉर्मल डिज़ाइन का नहीं है,
एंड दिस इज अ क्रस्ट वाला, जैसे क्रस्ट साड़ी आती है ना उस तरह का क्रस्ट वाला फैब्रिक है इसकी, मतलब डिजाइन है. एंड फैब्रिक इज जॉर्जेट बट क्रस्ट वाला डिजाइन है. अंदर की तरफ इसमें दी गई है लाइनिंग, तो कोई इशू नहीं है. ऊपर से नीचे तक लाइनिंग दी गई है, पीछे की तरफ बटन वाला क्लोजर दी गई है. इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है फॉल एंड एवरीथिंग. द ओनली इशू इज इसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है इस टॉप में. मैं इसको एक्चुअली रिटर्न करने वाली हूँ बट क्योंकि अभी मैंने एक्सेल में लिया है, एक्सेल इसके आउट ऑफ स्टॉक है, ये तो मैं एक्सचेंज कर लेती. इसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है. एक्स लिप्स में ये वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलाई हो गई है इस तरफ का, तो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता पहनने के टाइम. अदरवाइज इसकी फिटिंग एंड एवरीथिंग फॉल बहुत अच्छी आती है. एंड ब्लैक कलर है तो ऑब्वियसली अच्छी लगेगी. इसमें और आई थिंक दो तीन कलर्स है, चार टोटल चार कलर्स थे, तो इसमें से थ्री कलर्स में मेरी साइज आउट ऑफ स्टॉक है, मैं एक्सचेंज करा लेती बट मैंने इसको कार्ट में रखा हुआ है. जब एक्सेल आ जाएगा तो आई विल डेफिनेटली ऑर्डर अगेन. बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट. नेक्स्ट इज दिस वन, मैंने वॉश करके ऐसे ही रख दिया था, थोड़ा क्रश्ड है. दिस इज अ शर्ट कम टॉप, दिस इज एक्चुअली शर्ट ही है. इसकी स्लीव्स है, ये बलून स्लीव्स में है इसके स्लीव्स. एंड ये जो फैब्रिक है वो रेयन फैब्रिक है. उसमें ये ऐसे डिजाइन बने हैं, चिकन डिजाइन होते हैं ना होल होल वाला, ऐसे चिकन डिजाइन है इसमें. आगे की तरफ पूरी बटन ओपन है एंड लूज फिटिंग में ये रहता है, हाई लो पैटर्न में है. पीछे की तरफ थोड़ा लंबा है, आगे की तरफ थोड़ा शॉर्ट है. एंड फिटिंग लूज वाला पैटर्न में रहेगा जैसे मैंने बताया. एंड कम्फर्ट वाइज रियली गुड. मैंने इसको अभी तक तीन चार बार पहन के मैं वॉश कर चुकी हूँ. पहले वॉश में थोड़ा सा कलर इसका गया, ऑब्वियसली डार्क कलर है तो थोड़ा जाएगा. कैमरे में थोड़ा अलग दिख रहा है, दिस इज डार्क फुशिया पिंक कलर का है, तो अभी नहीं कलर जा रहा. एंड फिर मुझे बहुत अच्छा कम्फर्टेबल सा लगता है. एंड इसकी जो नेक है वो थोड़ा अलग है नॉर्मल शर्ट से, लाइक वी पैटर्न में है. एंड ऐसे बटन्स लगे हैं नीचे तक जो कि ओपन भी होते हैं. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ब्रांड इसकी है रूहान्स एंड मैंने इसमें लिया हुआ है एल साइज. मैंने एक्सेल मंगाया था बट वो मुझे बहुत ढीला हुआ और ओवर साइज हो गया, तो मैंने एल मंगाया जो मुझे अभी मतलब इसकी लुक वाइज तो ओवर साइज ही आना है बट वो मुझे ज़्यादा ही हो रहा था. लाइक मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, स्लीव्स वगैरह सब कुछ यहाँ तक आ जाता था, बड़े अजीब से लग रही थी. एंड ये मुझे परफेक्टली फिट हो रही है, लाइक लुक वाइज जैसे दिखना चाहिए वैसे दिख रहा है. तो आप इस ब्रांड में ये वाला अगर ट्राई करते हो ना, एक साइज डाउन नहीं लेना, तो जो आपकी नॉर्मल साइज है उससे, तो आपको बहुत अच्छे से फिट आएगी. नेक्स्ट इज दिस टॉप, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड केरी पेरी. एंड इसकी इस पेपलम टॉप पैटर्न में है. इसकी जो स्लीव्स है वो नॉर्मल स्लीव्स के साइज के हैं, एल्बो से ऊपर आता है. एंड यहाँ पे इलास्टिक लगी है. ओके, आई वुड डेफिनेटली प्रिफर अगर ये थ्री फोर्थ या एल्बो से नीचे तक का थोड़ा होता और इलास्टिक लगता, बलून पैटर्न में होता ना और ज़्यादा अच्छा लगता, बट ऐसा है ये वाला. एंड आगे की तरफ ऐसे दिस इज कोट का होता है, आगे की तरफ का वैसा ही दिख रहा है. ऐसे वेस्ट लाइन तक है, वेस्ट लाइन से ये ऐसे फ्लोई पैटर्न में है, हाई लो पैटर्न होके फ्लोई पैटर्न है. इसके प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं. इसकी जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट फैब्रिक है. अंदर की तरफ स्लीव्स में लाइनिंग नहीं है, बाकी पूरे टॉप में ऊपर से नीचे तक लाइनिंग है, जो कि अच्छी बात है. ह्यूमिडिटी टाइम पे भी आप पहन सकते हो, गर्मी में पहन सकते हो, बिकॉज इसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी. लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है. Now on to the last top of this haul, and this is a cotton top. ये कुछ इस तरह का दिखता है. इसकी फैब्रिक है प्योर कॉटन. ब्रांड इसकी है KVZ. फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस. एक्चुअली मुझे जब मैंने देखा वेबसाइट में पिक्चर, मुझे अच्छी लगी एंड उसमें काफ़ी अच्छी एंड पॉजिटिव रिव्यूज थे, तो मैंने फिर सोचा कि लेट्स ट्राई आउट. ये कुछ इस तरह का था. अगेन ये है वही पेपलॉन टॉप जैसा मतलब ड्राइव में है उसकी स्टिचिंग, बट लुक वाइज इतना नहीं लगता. एंड इसकी स्लीव्स है, थ्री फोर्थ की स्लीव्स है. स्लीव्स में ऐसे ये वाला डिज़ाइन अलग से स्लीव्स में दी गई है, जो कि आपको आगे की तरफ भी ऐसे डिज़ाइन मिल जाएंगे. एंड यहाँ पे आगे पर तरफ डोरी लगी है. बड़ी आई स्विंग सा कलर है, ब्लू एंड रफ वाइट ग्रे टाइप का है. इस तरह की कुर्तीज होते हैं एंड टॉप के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. वेल गाइज, दिस आर ऑल द टॉप्स आई गॉट दिस टाइम फ्रॉम Amazon. सारे के बाइंग लिंक्स एंड अदर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आपको अगर अच्छा लग रहा है इनमें से कोई सा भी, आप उसमें से जाके चेक कर सकते हो, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और उसमें पिन कॉमेंट में भी दे दूंगी. Let me share your thought in the comment section below. आपको इनमें से कौन सा वाले अच्छे लगे, आपको कौन सा ब्रांड इसमें से ट्राई कर चुके हो, आपकी एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग कुछ भी आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एंड ऑल्सो विद योर रिक्वेस्ट
देख सकते हो जिसके ऊपर मैं काम करूंगी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं Q&A वीडियो करूँ, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले करा था जब मैंने नया नया चैनल ओपन करा था। वैसे हमारा थोड़ा ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा है बट हो जाएगा। तो मैं Q&A में करने की सोच रही थी, तो आप अगर कुछ क्वेश्चन हैं आपके मन में वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं उनको पिक करूँगी। अदरवाइज मैं इंस्टाग्राम पे वैसे भी पोल डालने वाली हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। मैं मिलती हूँ आप लोगों की वीडियो से बहुत जल्द। बहुत सारा ख्याल रखना।